ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री के साथ ही दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज पॉलिसी लागू हो चुकी है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में तो बूस्टर डोज लगनी शुरू भी हो चुकी है। I say to all of you, got vaccinated 6 months ago, get your booster right away. We're seeing a lot more Americans do just that. 50 million people now have gotten their booster shots. And we're getting people their booster shots at a record pace, roughly a million people a day. Buy ourselves the time to get yet more boosters into arms, and especially in the older and more vulnerable people. दुनिया में 60 से ज्यादा देशों में बूस्टर डोज दी जा रही है और अब तो तमाम स्टडीज भी इशारा कर रही हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन कम प्रभावी है, लेकिन बूस्टर डोज से काम बन सकता है। What we see is after the booster dose, and that happens quite fast after the booster dose, in early analysis probably at 14 days and even up to just even 7 days. पूरी दुनिया में बूस्टर डोज को ओमिक्रॉन वेरिएंट की काट माना जा रहा है, हालांकि भारत में बूस्टर डोज को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। दरअसल ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन के बूस्टर डोज को मंजूरी देने की मांग की थी, लेकिन सरकार की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने बिना क्लिनिकल ट्रायल के बूस्टर डोज को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। इसलिए पैनल ने कोरोना के बूस्टर डोज पर सीरम इंस्टीट्यूट से क्लिनिकल ट्रायल से जुड़े और ज्यादा डेटा की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल केंद्र सरकार बूस्टर डोज पर कोई फैसला लेने से पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर और ज्यादा जानकारी सामने आने का इंतजार कर रही है। रेगुलर मॉर्निंग 9:30 को एक्सपर्ट ग्रुप, देश में जो ख्यातनाम हमारे साइंटिस्ट लोग हैं, वो उसमें एक्सपर्ट लोग हर सुबह इस विषय पर डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं और दुनिया में क्या हुआ, क्या हो रहा है, जहां डेटा, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस ज्यादा है वहां हॉस्पिटलाइजेशन कैसा है और जगह पे कैसा है, इंडिया में उसके ऊपर नजर रखी जा रही है, लेबोरेटरी में उसको ग्रो किया जा रहा है और उसके ऊपर इफेक्ट क्या हुई है वो चेक कर रहे हैं सारी दुनिया। आज उसके पर ओमिक्रॉन पर अध्ययन कर रही है और अध्ययन के आधार पर एक्सपर्ट लोग अपना ओपिनियन देंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में क्लियर कर दिया है कि भारत फिलहाल बूस्टर डोज पर जोर देने के बजाय ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर ही फोकस करेगा। वैसे वैक्सीनेशन की बात करें तो भारत में अब तक कोरोना वैक्सीन की 132 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है, जबकि देश की 50% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। देश की 85% से ज्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। वैक्सीनेशन पॉलिसी तय करने वाली बॉडीज ने ये भी कह दिया है कि बूस्टर डोज को लेकर भारत WHO के निर्देशों के आधार पर पॉलिसी तय करेगा। ऑल गवर्नमेंट्स शुड रीअसेस एंड रिवाइज देयर नेशनल प्लान्स बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन एंड देयर नेशनल कैपेसिटीज, एक्सेलरेट वैक्सीन कवरेज इन द मोस्ट एट रिस्क पॉपुलेशंस इन ऑल कंट्रीज। मैं फिर एम्फसाइज करूंगा कि WHO का कोई स्टैंड बूस्टर डोज के लिए नहीं है, उसमें बिल्कुल क्लैरिटी है उनकी तरफ से, इस अंडर कंसिडरेशन, और WHO हैज क्लियरली एंड एम्फेटिकली हाईलाइटेड द नीड टू कंप्लीट प्राइमरी वैक्सीनेशन एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी, एंड आवर थिंकिंग एंड आवर ओवरऑल पिक्चर, आवर बेस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड आवर एम्फेटिक व्यू is also aligned with the same approach that we let's complete the task of vaccinating every adult with two doses. सूत्रों के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ बूस्टर डोज भारत में लग सकती है, लेकिन इसकी शुरुआत कब से होगी ये साफ नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ओमिक्रॉन से बचने के लिए बूस्टर डोज से ज्यादा जरूरी है कोरोना गाइडलाइंस की बूस्टर डोज लेना। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।